हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.7। ठीक है, आज हमने ये कंप्लीट कर लेंगे। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना ने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। 5/7 of a number exceeded by 65 give 80 then find the number। अगर किसी नंबर के 5/7 में 65 ऐड कर दें तो वो 80 देता है नंबर। क्या देता है? 80। यानी अपने कोई नंबर लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर इज, लेट द नंबर इज क्या है? x। क्या है? x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इस नंबर के 5/7 में, यानी 5/7 ऑफ एक्स में अगर 65 मैं ऐड कर देता हूं तो ये देता है 80। क्या देता है स्टूडेंट्स? 80। यानी इस नंबर के 5/7 में अगर मैं 65 ऐड कर देता हूं तो वो बन जाता है 80। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 65 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5/7 पड़ा है, 80 माइनस हो गया 65, प्लस का 65 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। देन 5/7x, ये 80 में से 65 क्या क्या बच गया? 15। क्या बच गया? 15। अब अपने को निकालनी है x की वैल्यू, तो आपको पता है 7 तो चला जाएगा ऊपर, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है। तो इट मीन x की वैल्यू आ गई अपने पास 15 into 7 upon 5। क्लियर है यहां तक? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अपने इसके आगे करने जा रहे हैं, तो बताओ क्या आएगा? 5 से ये कट हो जाएगा, तो 5 से कट होने के बाद ये क्या आ गया? 3, और 3 7 जा कितना आ गया? 21। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अपने को क्या दे रखा था? कोई नंबर है उसके 5/7 में अगर 65 ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 80। तो अपने को वो नंबर फाइंड करके दिखाना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 32 से 4/5 किलोमीटर अमेरा फाउंड दैट शी स्टिल टू कवर 5/7 ऑफ होल डिस्टेंस। यानी इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको अभी ये लगा कि मुझे 5/7 और कवर करनी है। क्या करनी है? 5/7 और कवर करनी है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अबेरा, यानी उसको कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो अपने को बताना है। तो अपने लेट कर लेंगे, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमेरा इज इक्वल टू आ गया एक्स। क्या है? एक्स। समझ गए यहां तक? अब 5/7 उसको और करनी है, इट मीन अपने पास इसमें से टोटल में से 5/7 माइनस कर देंगे तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितनी आ गई अभी तक, जो उसने अमेरा कवर्ड डिस्टेंस, अभी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो अपने निकाल लेंगे। एक्स में से 5/7 एक्स माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? 5/7, क्योंकि टोटल एक्स है
और 5/7 उसको अभी और करनी है, क्या है 5/7 अभी उसको और डिस्टेंस कवर करनी है, तो टोटल में से टोटल डिस्टेंस का 5/7 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी बताओ, 7 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 एलसीएम आ गया, 7 × x 7x माइनस का 5x, तो ये बचेगा 2/7x, यानी 5/7 को अगर माइनस कर दिया तो 2/7 बचेगा, ये तो आपको वैसे पता है। तो इतनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली, क्या है टोटल का इतनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का 2/7 उसने कवर कर लिया और वो कितना आ रहा है कवर होके 32 4/5 आ रहा है, कितना आ रहा है 32 4/5 मीटर है, यानी टोटल एक्स थी उसका 2/7 कवर करके इतनी डिस्टेंस आ गई। अब बतानी है आपको टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब एक्स निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आएगा बताइए, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, ये आ गया अपने पास 35 जा 150 और 160 164/5 कितना आ गया 164/5 मीटर, लास्ट में अपने मीटर लगा देंगे, ठीक है याद है, क्लियर है, इसको मिक्स फ्रैक्शन था इसको सही कन्वर्ट कर लिया। अब अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो नीचे वाला जो 7 है वो तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन एक्स इज इक्वल टू 164/7 164/5 ठीक है, ये नीचे वाला 7 कहां चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में और ऊपर वाला 2 कहां आ गया डिवाइड में, 2 से इसको कट कर दीजिए कितना आएगा बताओ 82, x की वैल्यू आ गई 82 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2 = 14 1 कैरी 7 × 8 = 56 और 1 = 57, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5 × 5 5 × 5 5 × 4 = 20 तो ये आएगा 114/5 मीटर, ठीक है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है यहां तक क्लियर है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर लगा देना, ठीक है स्टूडेंट केएम लगा देना, ठीक है तो जो यूनिट दे रखी होगी वही आपको लगा के बतानी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है, फोर फ्रेंड हर्षित कुणाल मंजू राहुल वेंट टू ए ट्रिप, ये चारों जने ट्रिप पे गए, हर्षित पेड 2/7 ऑफ द बिल, हर्षित ने क्या किया भी पूरे बिल का 2/7 पे कर दिया, एंड रेस्ट द बिल वाज शेयर्ड बाय कुणाल मंजू एंड राहुल इक्वली, व्हाट इज द फ्रैक्शन वाज पेड बाय ईच, मतलब सारों ने कितना बिल पेड किया वो अपने को फाइंड करके बताना है, तो लेट कर लेंगे टोटल बिल 1 है फ्रैक्शन में, क्या है एक्स ले लो 1 ले लो, एक ही बात है कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बाद में एक्स का डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना, तो अभी आप एक बार एक्स ले लीजिए, तो देखो क्या है लेट, तो देखो हर्षित पेड बिल, हर्षित ने कितना पेड बिल किया बताओ, हर्षित पेड बिल 2/7 कितना पेड कर दिया 2/7, अब बताओ बचा कितना, 1 में से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट रिमेनिंग बिल आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द बिल कितना आ जाएगा बताओ
रेस्ट ऑफ बिल, बकाया बिल कितना आ जाएगा, वन में से इसको माइनस कर दो, तो वन में से इसको माइनस करोगे तो एलसीएम ले लीजिए क्या आएगा बताओ, सेवन, सेवन बन जा सेवन माइनस टू कितना आ गया फाइव बाय सेवन, तो अभी फाइव बाय सेवन बिल बचा है, टोटल बिल क्या है फाइव बाय सेवन बिल बचा हुआ है और टू बाय सेवन पेड हो गया। अब ये तीन जने इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, तीन जनों के किसके, कुणाल, मंजू एंड राहुल, तो बिल पेड बाय कुणाल, मंजू एंड रोहित, राहुल, कुणाल, मंजू एंड राहुल, तो इसको अपने क्या है थ्री से डिवाइड कर देंगे, फाइव बाय सेवन को किससे डिवाइड कर देंगे थ्री से, क्योंकि तीन जने है ना, थ्री से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो आपको पता है डिवाइड कैसे किया जाता है, डिवाइड में थ्री है तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइव बाय सेवन मल्टीप्लाई वन बाय थ्री, तो ये आ जाएगा फाइव अपॉन ट्वेंटी वन, ठीक है, क्योंकि सामने वाला अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं तो सामने वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो अगला लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है देखिए, ओन ए फॉर्म टू बाय सेवन ऑफ काउज पर ब्लैक एंड वाइल 40 पर वाइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउज, लेट टोटल नंबर ऑफ काउज अपने पास है एक्स, कितनी है एक्स, अब पता क्या है इस एक्स का टू बाय सेवन तो वाइट है, टू बाय सेवन तो ब्लैक है, यानी एक्स का 2 बाय सेवन तो ब्लैक है और 60 जो है 60 है 40 है 40 वाइट है, तो बताओ टोटल कितनी होगी, तो ये इन सारों को टोटल ही होएगा, ब्लैक प्लस वाइट इज इक्वल टू टोटल आ गया, ब्लैक कितनी थी टोटल का 2 बाय सेवन 40 थी वाइट इज इक्वल टू आ गया एक्स, अब एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, ये 2 बाय सेवन एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, एलसीएम आ गया सेवन, सेवन इंटू एक्स क्या हो गया सेवन एक्स माइनस का टू एक्स, ये बचेगा फाइव बाय सेवन एक्स, और इधर कितना आ गया 40, यहां तक क्लियर है, सेवन एक्स में से टू एक्स चला जाएगा तो ये बचेगा कितना फाइव एक्स, क्लियर है यहां तक। अब देखो अब अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 40 इज इक्वल टू आ गया 5 बाय 7 एक्स, अब x अपने को निकालना है तो डिवाइड वाला तो चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, 5 से ये कट हो गया 8 पे 8 7 जा आ गया 56, तो नंबर ऑफ काउज जो है वो कितनी है अपने पास, नंबर ऑफ काउज जो है वो आ जाएंगे अपने पास 56, ठीक है, तो ऐसे अपने को ये क्वेश्चन करके दिखाना था, एक बार दोबारा देख लीजिए, 2 बाय 7 अपने पास ब्लैक है और वाइट अपने पास 40 है, तो 2 बाय 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 इंटू एक्स 7 एक्स माइनस 2 एक्स 5 अपॉन 2 एक्स आ जाएगा, और 5 अपॉन 7 एक्स आ जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 7 एक्स, और 7 ऊपर चला जाएगा 5 डिवाइड में आ जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे 8 7 जा आ जाएगा 56, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आप करके बताइएगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें जो थ्री बाय सेवन तो ब्लैक है और 40 जो है वो है क्या वाइट, तो बताओ मुझे टोटल काउज कितनी आएंगी,
ये वाला तो सेम ही आएगा, ये रहने दो। चलो हाँ, इसमें मेरे को ये बताना 3/7 ब्लैक है और 40 वाइट है, तो बताओ मुझे ब्लैक कितनी आएंगी, ब्लैक काउस के बारे में आपको मेरे को बताना है, ठीक है, ब्लैक काउस कितनी आएंगी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंटों ने मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, बाकी क्वेश्चन अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।